मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री के मंत्र के भीतर जो विज्ञान छुपा हुआ है वो मनुष्य के अंदर निहित देवत्व के जागरण का विज्ञान है। हम में से प्रत्येक के भीतर देवता होने की, एक सिद्ध पुरुष होने की, एक तपस्वी, एक योगी, एक संत, एक महात्मा होने की जो संभावना छिपी हुई है उसको जगाने का जो विज्ञान है वो गायत्री मंत्र का विज्ञान है। जन्म जन्मांतरों के कर्म है, न जाने किन किन जन्मों से, न जाने किन किन योनियों में हम लोग भटके और उसके बाद फिर ये मनुष्य की काया, मनुष्य की योनि नसीब हो पाई। और इन जन्मों में जहाँ पर हम लोग भटक करके आए, इनमें जो कर्म हमारे द्वारा हुए उनके संस्कारों की कालिख हमारे चित्त पर जम जाती है और जब तक उन कर्मों की शुद्धि नहीं होती तब तक मनुष्य का जीवन पीड़ा और दुख, पतन और पराभव, इनके झूलों के बीच में झूलता सा रहता है। व्यक्ति जीवन को जीता तो है पर उसमें न तो सुख होता है, न शांति होती है, न दिशा होती है, न बोध होता है। बस आदमी जीवन को यदा कदा जिस किसी तरीके से जीता चला जाता है। जब तक भीतर से व्यक्तित्व की शुद्धता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, तब तक बाहर से जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं वो आडंबर बन करके रह जाते हैं। अंदर से व्यक्तित्व की शुद्धता के लिए जिस प्रयत्न को और जिस प्रयास को हम लोग करते हैं उसी को गायत्री तप साधना कह सकते हैं। और जब व्यक्ति गायत्री तप साधना को करने के लिए आता है दोस्तों, तो जो तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बात महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये हो जाती है कि वो जो परिवर्तन आए वो स्थायी हों, जो परिवर्तन आए वो सच्चे हों और जो परिवर्तन आए वो हमारे भीतर से आए। बाहर से दिया गया आदेश आदमी के जीवन में संकल्प को जन्म नहीं दे पाता। अंदर से जब वो परिवर्तन उभर करके आता है, अंदर से वो भाव उभर करके आता है कि हमें गुरुदेव के लिए और गायत्री माता के लिए कुछ करने की आवश्यकता है और वो भाव इतना प्रबल और इतना मुखर होता है कि उसके आगे दुनिया का और कोई भी सपना आदमी को छोटा नज़र आता है, तो फिर आदमी के जीवन में परिवर्तन आता है। हम लोग हिंदी में कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं पर अपने जीवन को बदलने का पराक्रम दिखाने वाले कम मिलते हैं। और ये सौभाग्य गायत्री परिजनों के पास है कि हम लोगों के सामने आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में, आशा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का निष्कलंक, निष्कपट, निश्चल, निर्मल, प्रकाशित जीवन हम लोगों के सामने है, जिनके जीवन का एक एक आयाम, चाहे तप हो, चाहे साधना हो, चाहे उनकी आत्मीयता हो, चाहे उनकी पवित्रता हो, चाहे उनकी महानता हो, चाहे उनकी दिव्यता हो, उनके जीवन का एक एक आयाम उस शिखर पर जाकर के उपस्थित है जहाँ पर यदि हम लोग प्रेरणा लेना चाहें और उससे एक एक अंश को अपने जीवन में उतारना चाहें तो हमारा जीवन न जाने किस शिखर पर जाकर के उपस्थित हो सकता है। और जब व्यक्ति उस महान सत्ता को समर्पित होता है तो उसके जीवन में चमत्कार भी घटते हैं। अभी हम लोग पिछले माह कोणार्क में थे, वहाँ पर उड़ीसा के राहत कार्य के लिए गए थे। तो कोणार्क का जो शक्तिपीठ है बहुत छोटा सा है दोस्तों, बहुत छोटा सा, पर उसके अंदर की जो मूर्ति है वो बड़ी अद्भुत है। आप लोग भारत के किसी भी शक्तिपीठ में चले जाइए वैसी मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो गायत्री माता की प्रतिमा अंदर है वो किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप समुद्र के अंदर से निकल करके आई है। वहाँ पर जो मूर्ति है वो ऐसा लगता है जैसे किसी और लोक से विश्वकर्मा ने अपने हाथ से बना करके भेजी हो। एक एक अक्षर, एक एक उसका जो स्वरूप है वो उभर करके आया है। हम लोग कोणार्क के मंदिर में राहत कार्य को करने के बाद और वहाँ पे सफाई करने के बाद, ये उद्देश्य था कि वहाँ से निकलेंगे और पुरी को जाएंगे, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उस मंदिर की ओर को खींच लिया है। वो जो मूर्ति है वहाँ पर अपने जो परिव्राजक हैं उपेंद्र साहू जी, उनको एक रात पहले पूज्य गुरुदेव सपने में आए और सपने में आकर के बोले कि बेटा मैं तुम्हारे मंदिर के लिए मूर्ति भेज रहा हूँ। अगले दिन समुद्र में घूमने के लिए निकले समुद्र के किनारे, तो उनका जो बालक है वो उनके पास आकर के बोला कि वो जो मथुरा वाले गुरुजी हैं जिनका फ़ोटो लगा हुआ है वो भी आए थे और बोल करके गए हैं कि मूर्ति वहाँ पर रखी है। वहाँ गए तो देखा समुद्र से निकली हुई मूर्ति है, एकदम काले पत्थर की है। आप लोग देखेंगे तो सहजता से आपको समझ में आ जाएगा कि इस जगह की बनाई हुई नहीं, एक एक उसके अंदर की नक्काशी, एक एक कार्विंग बड़ी अद्भुत, दिव्य, अलौकिक जिसको कह सकते हैं।
अब वो जो मूर्ति थी वो अपने यहाँ लेकर के आए। मंदिर बहुत छोटा सा है, मंदिर में यदि 10 लोग आकर के खड़े हो जाएं तो भीड़ हो जाएगी। बहुत छोटा सा मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर, पर जो मूर्ति है ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान आकर के उपस्थित हो गए। और वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो पहुँचने की घटना भी अद्भुत है। गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं, हम लोग निकले थे कोणार्क से कि पुरी को जाना है, अपने आप सारा का सारा काफिला जो है मंदिर की ओर को मुड़ गया और सबके फ़ोनों ने काम करना बंद कर दिया। यदि कोई किसी को ये भी बोलना चाहे कि देखो इधर नहीं जाना था, जाना तो उधर था, तो फ़ोन काम नहीं कर रहा है क्योंकि भगवान ने बुला लिया है। अब वहाँ पर जाकर के खड़े हो गए, ऐसा लगा जैसे गायत्री माता ने साक्षात वहाँ पर आकर के बुला लिया। और जो वो प्रतिमा है अद्भुत, ऐसे घटनाक्रम घटते हैं दोस्तों जब स्वयं व्यक्ति भगवान को समर्पित होता है और उस शक्ति का वरद हस्त हम में से प्रत्येक के ऊपर है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो शक्ति जो पूरी सृष्टि का निर्माण करती हैं, वो गुरुसत्ता जो इस पूरे युग के अधिपति हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव, वो परम वंदनीय माता जी, जिनके जन्म लेने से ये भारत की धरती अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है, उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया है, एक देवी योजना का अंग बनने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया है। तो एक बार स्थिर होकर अपने अंदर उपस्थित उसी देवत्व को, उसी महानता को याद करते हैं और उस शक्ति को पुकारते हैं जो पूरी सृष्टि को सद्बुद्धि की ओर, सन्मार्ग की ओर लेकर के चलती हैं। उनका आशीष, उनकी अनुकंपा, उनका अनुग्रह हम सबके जीवन पर अनवरत बना रहे और हम सभी एक अच्छे उद्देश्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते चलें। इस भाव के साथ गायत्री का महामंत्र साथ साथ, ओ माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पवित्र अवसर पर गायत्री जयंती की जो पूर्व वेला है, यहाँ पर शांति कुंज के इस देवीय प्रांगण में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री मिश्रा मामा जी, आदरणीय गौड़ मामा जी, आदरणीय ओपी शर्मा मामा जी, आदरणीय विष्णु पंड्या जी मामा जी, आदरणीय महाजन मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, मंच पर उपस्थित सभी शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और भारत के और विश्व के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मित्रों, जब हम लोग किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, पहली बार यदि किसी चीज़ को देखने का अवसर हम लोगों को मिले तो वो चीज़ दिखने में छोटी सी दिखाई पड़ती है। बच्चे आगे की तरफ बैठे हैं, छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, पर यदि थोड़ा समय गुजरने दे दिया जाए तो फिर उसी छोटी सी चीज़ को एक बड़े से आयोजन में बदलते, एक बड़े से प्रयास में बदलते देर नहीं लगती, बस समय को गुजरने देने की आवश्यकता है। बीज है, बीज छोटा सा होता है, पर यदि उस बीज को खाद, पानी और धूप दे दिए जाएं, उसको फलने का, फूलने का, विकसित होने का, पुष्पित होने का, पल्लवित होने का इतना समय दे दिया जाए तो उस छोटे से बीज को एक विशाल वृक्ष में बदलते देर नहीं लगती। वो जो बीज इतना छोटा सा था कि चिड़िया उसको दाना समझ करके चुग जाती, उसको यदि समय दे दें तो वो उस वृक्ष में बदल जाता है कि जिसमें उसी चिड़िया को आसरा लेने के लिए आना पड़ता है। मात्र समय को गुजरने देने की आवश्यकता है। ईंट है, छोटी सी होती है, उस ईंट को देख करके आप ये नहीं समझ सकते कि किसी बड़े आयोजन में बदलेगी, पर उस ईंट में यदि आप गारा लगा दें, सीमेंट लगा दें, पानी लगा दें, लोहे का सरिया लगा दें तो एक ईंट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, देखते देखते दीवार खड़ी हो जाती है, खंबा खड़ा हो जाता है, नींव के पत्थर बन जाते हैं और इमारत बन जाती है। एक ईंट को इमारत बनते देर नहीं लगती। हम लोग जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस मनुष्य के शरीर में बैठे हैं, हम लोगों के सबके जीवन की शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से ही तो हुई। एक छोटी सी सेल थी, उसमें आरएनए, डीएनए, जीन्स जुड़ गए, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, फीटस बन गया, शिशु बन गया, शिशु से युवा बन गया, वयस्क बन गया, वृद्ध बन गया। वही एक छोटी सी कोशिका है, देखते देखते एक बड़े से इंसान में बदल जाती है।
एक छोटी सी कोशिका के अंदर गुरुदेव से लेकर आइंस्टाइन और विवेकानंद से लेकर पतंजलि बनने की संभावनाएं सुरक्षित होती हैं। एक छोटी सी कोशिका है, पर यदि समय दे दिया जाए तो उसको एक बड़े से इंसान में और बड़े से मनुष्य में बदलते देर नहीं लगती। यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं, किसी समय में ये भी एक छोटे से अणु से ही शुरू हुआ होगा। हम लोग कहते हैं शास्त्रों में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है, कि वो जो अणु के अंदर है वही विभु के अंदर है। अणुनियान महतो महियान। और भारतीय शास्त्री क्यों, यदि आज की तारीख में हम लोग भौतिक विज्ञान के सिद्धांत को पढ़ें तो आज का भौतिक विज्ञान भी इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जिस सिद्धांत को सही मानता है वो भी यही कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से अणु से हुई थी। जो थ्योरी आज का भौतिक विज्ञान देता है, जो सिद्धांत देता है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो हम लोग एटम जिसको बोलते हैं, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनको सब एटमिक पार्टिकल बोलते हैं। एकदम अणु जिसको कि आप माइक्रोस्कोप से देखो उसके अंदर भी छोटे छोटे हजारों पार्टिकल हैं जिनको आप सब एटमिक पार्टिकल बोलते हैं, और जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका नाम है प्रोटॉन। यदि हम लोग अंग्रेजी का आई लिखें और आई लिखने के बाद छोटा वाला आई लिखने के बाद ऊपर का डॉट लगाएं तो उस एक डॉट के अंदर 5 खरब प्रोटॉन आ गए, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। 5 खरब आँखों को छोड़ दीजिए, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ेंगे, इतने छोटे हैं। और उस एक प्रोटॉन के अंदर यदि दुनिया भर के सारे ब्रह्मांड को उठा करके डाल दिया जाए, पूरा का पूरा उठा करके उस एक प्रोटॉन के अंदर डाल दें तो विज्ञान कहता है कि वो फूटेगा। जब फूटा तो कहलाया बिग बैंग। और एक सेकंड के अंदर जितना यूनिवर्स दिखाई पड़ रहा है, जितना ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, उसका 98% उस एक सेकंड के अंदर उस अरुण ने जन्म दे दिया। जितना दिखाई पड़ रहा है, ग्रेविटी आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आ गई, मैटर एनर्जी सब कुछ आ गया। कहने का अर्थ मात्र इतना है दोस्तों, मैं क्वांटम फिजिक्स को बोलने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ, पर जिस बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एक अणु के अंदर ब्रह्मांड बनने की ऊर्जा छिपी पड़ी है। इसीलिए एक अणु फट जाए तो पूरी की पूरी मानवता को तबाह करने की ताकत अपने अंदर रखता है। हम लोग जब शक्ति की संभावनाओं को तलाशते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि शक्ति की शुरुआत बीज के अंदर होती है। आदमी विस्तार के अंदर शक्ति को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी संभावना एक छोटे से बीज के अंदर सुरक्षित है। एक बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना सुरक्षित है। एक अणु के अंदर बम बनने की संभावना सुरक्षित है। एक कोशिका के अंदर एक मनुष्य बनने की संभावना सुरक्षित है। एक ईंट के अंदर इमारत बनने की संभावना सुरक्षित है। और एक शब्द के अंदर मंत्र बनने की संभावना सुरक्षित है। ऐसी ही एक संभावना, इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि ऐसी ही एक संभावना, ऐसी ही एक ताकत और ऐसी ही एक शक्ति भारतीय ऋषियों ने, भारतीय चिंतकों ने, जो इस धरती पर आकर के गए एक से एक बढ़कर गंभीर वैज्ञानिक और गंभीर विद्वान और गंभीर चिंतक, उनने ऐसी ही एक शक्ति हमारी संस्कृति के भीतर भी एक ऐसा ही एटम बम छुपा करके रख दिया है जो दिखने में छोटा लगता है। 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं, पर यदि वो फूट पड़े, यदि वो अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को, सारे गुणों को, सारे तत्वों को, सारे लोगों को, सारे प्राणियों को हिला देने की और कपा देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और उसका नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के अंदर दोस्तों इतनी ताकत है कि इस सृष्टि को जन्म देने की, इस सृष्टि का संहार करने की, इस सृष्टि का आमूल चूल परिवर्तन करने की, उसका संवर्धन, उसका पोषण, उसका विवर्धन करने की ताकत अकेले गायत्री मंत्र के अंदर सुरक्षित है। पुराणों को आप लोग पढ़िए, पुराणों में क्या कहानी आती है? कहानी आती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को पुकारा गया, ब्रह्मा जी को पुकारा गया, और ब्रह्मा जी जब आए तो आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए, और तप करने के लिए मंत्र कौन सा दिया गया? गायत्री का मंत्र। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो किस शक्ति को पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आप रामायण पढ़िए, रामायण में जब भगवान राम ने रावण के ऊपर तीर चलाया, निष्फल गया, कोई लाभ नहीं हुआ, उनने महर्षि अगस्त से आदित्य हृदय स्त्रोत्र मांगा, और आदित्य हृदय स्त्रोत्र की शुरुआत किससे होती है?
गायत्री मंत्र से होती है। आदित्य हृदय स्त्रोत्र को अपने बाण पर धारण करा, गायत्री मंत्र को हृदय में धारण किया, और धारण करने के बाद जब भगवान राम ने रावण के ऊपर प्रहार किया तो रावण नेस्तनाबूद हुआ। जब भगवान असुरता का संहार करते हैं तो किसको पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आदमी कॉमन सेंस लगा करके देखे, जरा सा सामान्य सी बुद्धि लगा करके देखे कि जब स्वयं भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो किस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान असुरता का संहार कर रहे हैं, स्वयं भगवान संहार कर रहे हैं, तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान वेदों का ज्ञान निःसृत कर रहे हैं तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं, वेद माता। जब भगवान देवताओं की, प्राणियों की रचना कर रहे हैं, अधिदेवता बन रहे हैं, उपत्य देवता बन रहे हैं, उपदेवता बन रहे हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर बन रहे हैं, दिति अदिति के पुत्र जन्म ले रहे हैं, सिंहिका आ रही है, व्याघ्र आ रहे हैं, तो भगवान जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब स्वयं भगवान उस शक्ति को पुकारते हैं दोस्तों, तो यदि हम और आप उस शक्ति को पुकारेंगे तो जीवन किस शिखर पर जाकर के बैठेगा ये कौन जानता है। आदमी कल्पना करके देखे, महसूस नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि जिंदगी भर उसी मंत्र को दोहराते दोहराते उसके मूल्य को हम लोग भूल जाते हैं। पर जो शक्ति को हम लोग पुकार रहे हैं, उस शक्ति के अंदर पूरे सृष्टि के निर्माण की और पूरी सृष्टि के विस्तार की संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। भारतीय संस्कृति का दोस्तों जितना भी ज्ञान है, उस सारे के सारी ज्ञान की यदि कहीं एक जगह पर बीज रूप में संभावना है तो वो गायत्री के अंदर है। हम लोग यदि गंगा सागर पर जाकर के खड़े हो जाएं, तो गंगा सागर पर जाने के बाद गंगा अथाह दिखाई पड़ती है, स्टीमरों की आवश्यकता पड़ती है। और उसी गंगा को यदि आप गोमुख में जाकर के देखें तो छोटा सा गाय के मुख का ग्लेशियर है, वहाँ से निकल करके आई। कई सारी नदियाँ तो छोटे छोटे तालाबों से, कुंडों से, झरनों से निकल करके आती हैं। मुल्ताई में आप चले जाइए तो ताप्ती की शुरुआत एक कुंड से हो रही। दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जमीन के अंदर गड्ढे से निकल करके आ रही। तो नदियाँ छोटी छोटी जगहों से निकलती हैं। उद्गम जो है वो छोटा हो सकता है, पर जो परिणाम होता है वो विस्तृत होता है। आदमी उद्गम से परिणाम का अंदाज़ा लगाने लग जाता है, पर ये भूल जाता है कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। वैसे ही जो भारतीय संस्कृति है दोस्तों, उसका विस्तार अतुलनीय दिखाई पड़ता है। यदि कोई पूरे भारतीय संस्कृति के साहित्य को पढ़ना चाहे तो सारे वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इतिहास हैं, षड दर्शन हैं, श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, उसका जो विस्तार है अनंत है। कई कई बार तो सिर्फ एक ही ग्रंथ को पढ़ने में आदमी का पूरा जीवन चला जाता है। सारे के सारे भारतीय संस्कृति के सारे साहित्य को पढ़ पाना, सारी शिक्षाओं को, सारे चिंतन को समाहित कर पाना कभी कभी एक जन्म में संभव नहीं हो पाता। पर यदि उस पूरी भारतीय संस्कृति को किसी एक जगह पर व्यक्ति को पढ़ना है तो वो गायत्री मंत्र के अंदर पढ़ सकता है। यदि आपने एक गायत्री मंत्र समझ लिया और उसकी शिक्षाओं को, उसके चिंतन को, उसके गुण को, उसके अंदर के जो दर्शन है, जो उसके अंदर का तत्व है, उसको यदि हमने अपने व्यक्तित्व के अंदर समाहित कर लिया तो आदमी को कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसा फिजिक्स में कहते हैं कि यदि आपने E=mc² पढ़ लिया तो आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पुराण में यदि हम लोग पढ़ें तो कूर्म पुराण में कहते हैं कि यदि आप सारे के सारे वेदों को, शास्त्रों को उठाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दो और दूसरे पर गायत्री मंत्र को रखो तो गायत्री मंत्र तब भी भारी नजर आएगा, तब भी भारी ही नजर आएगा, तब भी गायत्री का जो वजन है वो भारी ही होगा। वेदों के अंदर यदि आप लोग पढ़ते हैं तो वेदों में शतपद ब्राह्मण कहता है गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री कहलाती है, कि गायत्री के एक एक मुख से एक एक वेद निकल करके आया। और वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप, वाल्मीकि रामायण में 24,000 के करीब श्लोक हैं, 600 अध्याय हैं, 6 सर्ग हैं, और हर हजार श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक संपुट लगा हुआ है। एक संपुट गायत्री मंत्र का हर हजार श्लोक के बाद लग गया। श्रीमद् भागवत में भी यही हुआ। तो कहने का अर्थ इतना ही है दोस्तों कि इतना सारा अथाह, इतना सारा विस्तार आपको गायत्री मंत्र का देखने को मिलता है। यदि हम लोग भारतीय संस्कृति के किसी भी अध्याय को, भारतीय संस्कृति की किसी भी प्रेरणा को पढ़ने की कोशिश करें तो एक बात हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सारी की सारी शिक्षाएं, सारा का सारा चिंतन यदि किसी एक जगह पर समाहित देखने को मिलता है तो गायत्री के अंदर देखने को मिलता है। जो हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा दोस्तों, वो यही रहा
कि परम पूज गुरुदेव ने गायत्री का यह मंत्र हमारे साथ बचपन से पकड़ा दिया, हम लोग पले बढ़े उसी चिंतन के साथ। और यदि आज हम अपने जीवन में और अपने व्यक्तित्व में उन शिक्षाओं को आत्मसात कर पाने की स्थिति में होते हैं तो जीवन का और व्यक्तित्व का कायाकल्प होना सुनिश्चित हो जाता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जो हम लोग नित्य प्रति दोहराते हैं, अपने यज्ञ की प्रक्रिया में भी कहते हैं, कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं उनको 7 लाभ होते हैं, उनके जीवन में 7 लाभों का होना सुनिश्चित हो जाता है। इन लाभों में से 5 तो भौतिक हैं, 5 तो लौकिक हैं, 5 तो सांसारिक हैं, और जो 2 लाभ हैं वो आध्यात्मिक हैं। इनमें से यदि हम सारे लाभों को अपने जीवन में लें तो इस जीवन में और उस जीवन में, इस संसार में और उस संसार में जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं और जितनी भी संभावनाएं हैं उन सब का पूरा होना सुनिश्चित हो जाता है। जो 5 भौतिक लाभ हैं उन्हीं को हम लोग पंच प्राण भी कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं, पंच महाभूत भी कहते हैं और गायत्री के 5 मुख भी कहते हैं। बस उसके पीछे की एक शर्त है जिसके विषय में पहले बोलना चाहता हूँ। शर्त यह है कि लाभ मिलते तो हमें से हर एक को हैं, पर व्यक्ति को पात्रता दिखानी पड़ती है। जैसे आदमी वीज़ा लेने के लिए जाए तो पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट के कोई पहुंच जाए और कहे कि साहब आप हमें कागज़ पे लगा के दे दो तो कहेंगे नहीं साहब आप पासपोर्ट लेकर के आओ। पासपोर्ट होएगा तो वीज़ा लगेगा। आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाओ तो पहले आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि साहब आधार कार्ड है तो आपको अकाउंट खुल पाएगा। आदमी को यदि कुछ चीज़ चाहिए, आदमी को जॉब चाहिए तो पहले डिग्री दिखानी पड़ती है। तो पहले पात्रता का उद्घोष करना पड़ता है, पहले आदमी को ये बताना पड़ता है कि जो चीज़ दी जा रही है उसको ले पाने के लिए हम लोग योग्य हैं, उसको ले पाने के लिए हम लोग सही स्थिति में हैं, सही मनस्थिति में हैं, सही परिस्थिति में हैं। यदि वो हम दिखा पाने की स्थिति में होते हैं, वो बता पाने की स्थिति में होते हैं दोस्तों, तो फिर आदमी इन लाभों को ले पाने की स्थिति में होता है। तो जो पहला लाभ मिलता है वो मिलती है आयु। और आयु का मतलब ये नहीं है कि आदमी को लंबी आयु मिले, आयु का मतलब है कि जितनी आयु मिले उतनी अच्छी मिले। आदमी को जितनी देर के लिए जीवन मिले उतनी देर के लिए श्रेष्ठ मिले, निरोगी मिले, खुशहाल मिले, अंदर से तृप्त, अंदर से तुष्ट, अंदर से संतोषी जीवन मिले। एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि आदमी अमरता लिखा करके आया है, पर जितने देर के लिए जीवन मिले उतना अच्छा मिले। और उसको लेने के लिए कौन सा सूत्र और कौन सा सिद्धांत हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है? यदि आयु चाहिए तो गुरुदेव कहते हैं कि आदमी को संयम का पालन करना पड़ता है। संयम का सीधा सरल सा सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। संयम का सिद्धांत मात्र इतना है कि हम कमाते कितना है महत्वपूर्ण नहीं है, गंवाते कितना है महत्वपूर्ण है। आदमी यदि 10,000 रुपये की जॉब करता हो और 10,000 में से 7,000 रुपये जो है वो खर्चा करता हो, 3,000 रुपये बचाता हो, तो साल के अंत में 36,000 रुपये बचा लेगा। और दूसरा व्यक्ति है जो 60,000 रुपये कमाता है पर 70,000 रुपये कमाता है, तो वो जो 60,000 है वो भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। आपने कमाया कितना है ज़रूरी नहीं है, गंवाया कितना है ज़रूरी है। संयम का सिद्धांत है कि हम अपनी शक्ति को बचाते कहाँ पर हैं। शक्ति का अर्जन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, पर शक्ति का हम लोग संयम कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना गायत्री मंत्र की पहली शर्त है, पहली ताकत है। जो चीज़ साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है वो है संयम। एक संत की कथा आती है कि एक संत थे, उनसे उनके शिष्यों ने पूछा, उनने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए कि मनुष्य है और मनुष्य के अंदर संभावनाएं तो अपरिमित हैं, इन्हीं के मध्य से बड़े बड़े महापुरुष निकल करके आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग निकल करके आते हैं, बड़े बड़े विद्वान निकल करके आते हैं। बोले फिर क्या कारण है कि इतनी सारी संभावनाओं के होते हुए भी मनुष्य अपना जीवन जो है वो दीन की तरह से, दरिद्र की तरह से और बड़े दुखी व्यक्ति की तरह से गुजारता है, क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है? संत ने उत्तर नहीं दिया और कहा कि ऐसा करो, 2 बाल्टियाँ लेकर के आओ, एक बाल्टी में तो पानी भर दो, 1 बाल्टी खाली लाओ। लेकर के आ गए, उनने एक लोटा उनको दिया, लोटे में तली नहीं थी, छेद था नीचे की तरफ। उन्होंने कहा ऐसा करो बेटा कि ये जो लोटा है इससे पानी लो इधर से और इस बाल्टी को भर दो। शिष्य अचरज में पड़े, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कैसे होएगा?
बोले इसमें तो तली ही नहीं, इसमें तो छेद ही छेद है, बोले इस लोटे से इसको कैसे भरेंगे हम। संत बोले बेटा ऐसा ही मनुष्य के साथ है, आदमी जो है नीचे के सुराखों को खोल देता है तो ऊपर ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। आदमी के जीवन में उन्नति होती है यदि ऊर्जा यहाँ पहुँचे, आदमी के जीवन में ऊर्जा होती है यदि आदमी अपने चिंतन को, अपने भावनाओं को, अपने उद्देश्यों को ऊपर की ओर लगाता है। यहाँ पर मालिक बैठा हुआ है, घर में दो तले हैं, एक नीचे का कमरा है, एक ऊपर का कमरा है, पाइप एक ही जा रहा है। हमने ऊपर वाले को पानी पहुंचाना था, नीचे वाले नल खोल दिए हैं। अब यदि आदमी नीचे के नल खोल करके बैठ जाएगा तो ऊपर वाले को तो मिलेगा नहीं, ऊपर वाले को कुछ मिल नहीं पाता, नीचे के सारे सुराख खा जाते हैं। संयम की एक ही परिभाषा है, गुरुदेव ने कहा कि ऊर्जा को उस जगह पर लगाया जाए जहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आए तो एक अपनी समीक्षा इस दृष्टि से करें कि हमारी ऊर्जा जा किधर को रही, विचार किधर को जा रहे हैं, क्या उस जगह पर लग रहे हैं जहाँ लगने की आवश्यकता है, विचारों का संयम हो। इंद्रियां उस जगह पर लग रही हैं जहाँ लगने की आवश्यकता है। जीव तो वही है, आप बोल भी उतना ही सकते हो, खा भी उतना ही सकते हो, पर उसको हम सही जगह पर लगा रहे हैं कि नहीं। इंद्रिय का संयम आए, अर्थ का संयम आए, विचार का संयम आए, समय का संयम आए, ये सारी चीज़ों का संयम आता है दोस्तों, तो आदमी को जीवन उतना ही मिला है। वही 24 घंटे मिले हैं, वही हफ्ते में 7 दिन मिले हैं, वही साल में 12 महीने मिले हैं, वही एक साल के अंदर 365 दिन मिले हैं, पर आदमी उस समय का, उस ऊर्जा का, उस इंद्रिय की शक्ति का, उस विचार का, उस अर्थ का सही से संयम करता चला जाता है तो आदमी के जीवन की दिशा बदल जाती है। महापुरुषों को यदि हम लोग उठा करके देखें तो उतना ही जीवन था। विवेकानंद तो 39 ईयर्स तक ही जिए, 39 वर्ष तक ही जिए, शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही जिए, पर कितना सारा काम करके गए। आदमी के पास समय बहुत सारे लोगों से कम ही था, पर जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो पहली जो चीज़ की आवश्यकता है वो है संयम। संत तुकाराम थे तो संत तुकाराम के पास लोग गए, उनसे पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है, उनने कहा कि 5 वर्ष। तो उनने कहा 5 वर्ष, आप तो 50 के करीब के लग रहे हैं। तुकाराम बोले भगवान से 5 ही वर्ष पहले जुड़ा, उससे पहले का जीवन याद करने का नहीं, उसके बाद का जीवन याद करने का। जब आदमी जुड़ जाता है, संयमित हो जाता है, तो फिर आदमी की जो ऊर्जा है, आदमी की शक्ति है, वो बड़ी दिशा में बढ़ चलती है। एक जब आदमी के जीवन में चिंतन आ जाए, पहला है संयम। अभी हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे, उनने 3 वर्ष पहले PhD के लिए अप्लाई किया और उम्र है उनकी 92 ईयर्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आप PhD करना चाहते हैं इस उम्र में क्यों? बोले देखिए आपने साहब प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा है। तो हमने देखा प्रॉस्पेक्टस में, बोले आपने न्यूनतम आयु लिखी है, अधिकतम नहीं लिखी है। बोले हम तो PhD करेंगे इस उम्र में। तो आदमी किस उम्र में क्या कर सकता है, आदमी को लगे कि साहब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं, हर उम्र में आदमी के अंदर संभावना है। पहली जो चीज़ गायत्री मंत्र हमें सिखाता है दोस्तों, वो ये सिखाता है कि आदमी संयम को ले, संयम को ले, इंद्रिय संयम को ले, अर्थ संयम को ले, समय संयम को ले, विचार संयम को ले। फिर चीज़ आती है प्रजा पशु कीर्ति और प्राण। प्राण सही पूछा जाए तो हमारे अंदर जितनी भी मूल्य, जितनी भी योग्यता, जितनी भी संभावना है वो प्राण के कारण है। आदमी का प्राण निकाल लो आप, प्राणी नहीं रह जाएगा, आदमी लाश बन जाएगा। जो मूल्य है वो आदमी के अंदर प्राण के कारण है। बाहर लिफाफे का क्या मूल्य, जो कीमत है वो तो चिट्ठी की है। लिफाफे को आदमी कितना भी सुंदर कर ले, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा ले लिफाफे के ऊपर और लिफाफे को कुमकुम रोली से डल ले, अंदर एंथ्रेक्स का पाउडर भरा हुआ हो तो करेगा क्या? लिफाफे के अंदर बम भरा हुआ हो तो आदमी करेगा क्या? जो चिट्ठी की कीमत है, जो कीमत मजमून की है, कीमत आवरण की नहीं है, कीमत तत्व की है, कीमत शरीर की नहीं है, कीमत प्राण की है। शरीर तो आज है कल नहीं रहता, पर जो प्राण है वो सदा रहता है। जो कीमत है वो व्यक्ति के अंदर प्राण की। पहले भी एक चुटकुला सुनाया था मैंने कि एक जगह पर गूगल थे, विकिपीडिया थे, आपस में बहस कर रहे थे और गूगल बोला देखो साहब हमारा कितना नाम है, हमारे ऊपर लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो रोज़ गूगल पे चेक करते हैं। विकिपीडिया बोला भाई उतने ही मेरे वेबसाइट पे आके लोग चेक करते हैं। फेसबुक बोला अरे आपने हमें तो देखा ही नहीं, हमारी वॉल पे कितने सारे लोग लिखते हैं। व्हाट्सएप बोला अरे खरबों लोग हैं जो रोज़ व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। इंटरनेट बोला कि तुम में से एक भी मेरे बगैर नहीं चलेगा, मैं नहीं आऊँगा तो एक भी नहीं चलेगा। फ़ोन का चार्जर बोला आवाज़ धीरे करके बात करो, मैं नहीं आऊँगा तो तुम में से एक भी नहीं चलने वाला है। चार्जर निकल गया तो कुछ भी नहीं चलेगा। हमारा जो चार्जर है वो तो प्राण के अंदर है। प्राण निकल जाए
तो आदमी बड़ा बनता हो, आदमी कहे हम तो नोबेल प्राइज विनर थे, हम तो फिल्म के अभिनेता थे, हम तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, चार्जर निकल गया, ऐसा भगवान ने चेकआउट का नोटिस भेज दिया है, अब कुछ नहीं होएगा। आदमी वहीं पर इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाता है। जो कीमत है वो प्राण के कारण है, और हमारे शरीर को प्राण देने का काम माँ गायत्री करती है। इधर से सूर्य से हम प्राण लेकर के आते हैं, उधर चंद्रमा को देते जाते हैं। इसीलिए आप छोटे से बच्चे को देखो, बच्चे के अंदर प्राण कितना भरा हुआ होता है। आप छोटे से बच्चे को उठा करके यदि कमरे के अंदर रखोगे तो एकदम हवाई जहाज की तरह से भागता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ऊपर है नीचे है, कभी ऊपर चढ़ गया कभी नीचे चढ़ गया। और जब व्यक्ति धीरे धीरे उम्र के दूसरे पायदान की तरफ जाता है तो वही बच्चा दिन में 25 चक्कर लगाएगा, 3 मंजिल का कमरा है, रोकना मुश्किल हो जाएगा, आदमी को 3 सीढ़ियां चढ़नी है, 3 सीढ़ियां उतरनी है, क्योंकि अभी सूर्य से प्राण लेकर के आया है। और उधर हम चंद्रमा को उधार चुकाते जा रहे हैं, जिस दिन चंद्रमा पूरा ले लेता है उस दिन आदमी का प्राण समाप्त खत्म हो गया। हम सूर्य से निरंतर प्राण को लेते रहें, ये काम गायत्री करती है, ये काम करने का उद्देश्य गायत्री का है। सूर्य है, सूर्य के दो रूप हैं दोस्तों, एक तो स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल सूर्य से हम लोग ऊर्जा लेते हैं, ये प्लांट है इनको फोटोसिंथेसिस करनी है तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे, नदियां हैं इनको बादल बनाने हैं तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे। हम लोगों को यदि ऊर्जा चाहिए, यदि आप सूर्य की ऊर्जा नहीं लेंगे प्रकाश नहीं आएगा तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, विटामिन बनने बंद हो जाएंगे, मिनरल बनने बंद हो जाएंगे। ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? स्थूल सूर्य से आ रहा है, पर प्राण सूक्ष्म सूर्य से आ रहा है। स्थूल सूर्य का जो ऊर्जा है वो किरणें लेकर के आती हैं, और सूक्ष्म सूर्य का जो प्राण है वो गायत्री मंत्र के शब्द लेकर के आते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं गयान प्राणानत रायते स गायत्री। हमें पता नहीं चल रहा, दिखाई नहीं पड़ता है, तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर बात करो तो आपको दिख रहा है क्या मैसेज ट्रेवल करता हुआ? नहीं दिख रहा, पर जा रहा है। वैसे ही जो गायत्री माता के एक एक शब्द के माध्यम से प्राण हमारे पास लौट करके आ रहा है, दिख नहीं रहा पर हमारे प्राणों को पुष्ट करता है। चल हम वहीं से रहें, हमारे अंदर प्राण भरने का काम गायत्री मंत्र के शब्द करते हैं। फिर चीज मिलती है, प्रजा है, पशु है, द्रविड़ है। ये तीनों के तीनों दोस्तों, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़, ये सब मिलते उनको हैं जो प्रेम देते हैं। प्रेम है जिसके अंदर, उसको लोगों का प्रेम मिल पाता है, जो दूसरों को देंगे वो दूसरों से ले पाते हैं। आदमी को जो है यदि कहीं पर पद मिल जाए और पद का अभिमान हो तो हो सकता है सामने वाला डर के मारे 2 मिनट के लिए हाँ हाँ कर देगा, प्रेम नहीं मिलता उससे। आदमी को जो है दूसरे का वो मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, पर प्रेम नहीं मिल पाता। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के पथ को अपने जीवन में अपनाते हैं, उस पथ पर चलते हैं, उनको 3 चीज़ें मिलती हैं। उनको मिलता है देवी अनुग्रह, उनको मिलता है आत्मसंतोष, उनको मिलता है लोक सम्मान। ये सारी की सारी चीज़ें आदमी के जीवन में आती हैं, अंदर से संतोष होता है। दुनिया वाले कुछ भी कहें, यदि मैंने गलत करा है, यदि मैं गलत जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों, तो अखबारों में मेरी तारीफ छप रही हो पर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे लगेगा भगवान मैं कर क्या रहा हूँ। आदमी को अंदर से ग्लानि होगी, अंदर से दिल कचोटेगा, अंदर से उसको नींद नहीं आ पाएगी। और यदि मैं सही कर रहा हूँ तो दुनिया गाली दे रही हो, आदमी चैन की नींद सोता है, उसको पता है कि साहब मैं सही पथ पर चल रहा हूँ, आत्मसंतोष। दूसरी चीज़ मिलती है लोक सम्मान, लोगों का प्यार मिलता है। तीसरी चीज़ मिलती है भगवान का अनुग्रह, जहाँ गाड़ी थोड़ी सी रुकी पीछे से भगवान का सहारा आ जाता है। जहाँ पर आदमी को लगा कि थोड़ा सा थक रहे हैं, भगवान आकर के आपका बोझ हल्का करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ मिलती है यदि आदमी गायत्री मंत्र के पथ पर आगे बढ़ता है। गुरुदेव ने आप देखें तो लोगों को प्यार ही तो दिया, हर जगह पर आदमी जा कर के देखे और लोगों से पूछ करके देखे, अखंड ज्योति हो सकता है किसी ने पढ़ी हो, गुरुदेव के लेक्चर हो सकता है किसी ने सुने हो, शांति कुंज हो सकता है कोई आया हो ना आया हो, पर एक बात तय है कि आप किसी से जा कर के पूछें, किसी से भी जा कर के पूछें, तो हर व्यक्ति एक बात स्पष्ट रूप से बोलेगा कि गुरुदेव ने जो हमें दिया वो प्यार दिया। आदमी चाहे एक बार को मिला और चाहे हजार बार को, चाहे व्यक्ति को दूर से दर्शन हुए और चाहे व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ बैठकर के खाना खाया, उसको ये चीज़ गुरुदेव ने महसूस कराई कि बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत का मेरे लिए तू ही है। हर व्यक्ति ने ये समझा कि मेरे ही पिता हैं, हर व्यक्ति ने समझा कि वो माता जी तो मेरी ही। ये जो भाव था जो गुरुदेव ने हर व्यक्ति को दिया, वो दोस्तों इस गायत्री परिवार की नींव है, इसकी सबसे बड़ी पूंजी। मैं पहले भी एक उदाहरण सुनाया कि अपने यहाँ पर गायत्री विद्यापीठ में जो पहले वाइस प्रिंसिपल रहे भास्कर भाई साहब,
जब शुरू शुरू के दिनों में यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव के पास लेके गए, बोले गुरुदेव मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तू क्या करता था वहाँ, जमशेदपुर के थे है। तो उनने कहा कि गुरुदेव मैं पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाते थे, उनने बीएड किया हुआ था, फिजिक्स पढ़ाते थे। तो गुरुदेव बोले बेटा हमारे यहाँ तो स्कूल है नहीं, 72-73 की बात। बोले और क्या कर सकता है, बोले मैं गुरुदेव गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा एक ही गाड़ी है शांति कुंज में, UTJ 3199, बोले तो चलाना। उस समय में हुआ करती थी जोंगा गाड़ी, तो भास्कर भाई साहब ने चलाई और पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने तक उन्हीं ने गाड़ी चलाई। एक दिन हरिद्वार गए, हरिद्वार में डोसे बन रहे थे, तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि साहब डोसे मुझको मिल जाए, जेब टटोली तो पैसे नहीं। बड़े दुखी हो गए कि देखो हम आश्रम आ गए तो इतने पैसे नहीं रह गए, जमशेदपुर में थे तो अच्छा खासे पैसे थे, आराम से डोसे खा लेते जब मन करता। यहाँ आए तो मिश्राबाजी ने कहा कि भास्कर गुरुदेव बुला रहे हैं। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा गाड़ी निकाल। गाड़ी में आके माता जी गुरुदेव दोनों बैठ गए। बोले गुरुदेव कहाँ जाना है, बोले ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँच गए, कहाँ जाना है, तो गुरुदेव बोले मद्रास कैफ़े ले चल, अब तो नाम बदल गया, उस ज़माने में मद्रास कैफ़े हुआ करता था मुनि की रेती पर। वहाँ पहुँचे तो बोले बेटा अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए, माता जी के लिए, अपने लिए, लेकर के आ जा। अंदर गए लेकर के आए, गुरुदेव ने कहा अरे बेटा भास्कर मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरे वाला तू खा ले। माता बोली बेटा मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा ले। भास्कर ऐसा बोले कि मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं किया। जो खूबसूरती है दोस्तों, कहानी कितनी बार भी सुनाओ और कमी पड़ती है, एक खूबसूरती सबसे बड़ी इस बात की है कि आप ये तो देखें कि ये उस व्यक्ति के साथ है जिनने 3400 किताबें लिखी, हजारों लेक्चर दिए, 4000 के करीब पूरे केंद्र गुरुदेव की स्थापना के थे। आदमी निरंतर काम कर रहा है, हजारों लोगों से मिल रहा है, हम लोग तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे। उतनी देर के लिए कोई व्यक्ति आता है और हम लोग टीवी का मैच ही देख रहे हैं और बच्चा आकर के कुर्ता हिलाए तो आदमी गला घोंटने को तैयार हो जाता है। अभी ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है, पर वो गुरुदेव जो नित्य 3-3 आर्टिकल लिखते थे, एक एक किताब लिखते थे, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, हजारों जगह पर जा रहे हैं और उनको ये महसूस होता है कि जो बच्चा हमारे साथ चलता है उसका डोसा खाने का मन है तो तुरंत लेकर के जाते हैं। ये करने के लिए कितने बड़े दिल की आवश्यकता है। आदमी गुरु तो बन जाता है दोस्त, हम लोग अपने सौभाग्य को तो सराहें, आदमी गुरु तो बन जाता है पर पिता कौन बन पाता है, ये बनने का सौभाग्य किसके पास है कि वो पिता बन पाता है। अभी कल परसों अपने कार्यकर्ता आए थे वाराणसी से, वो घटना सुना रहे थे कि पहली बार जब आए वो गुरुदेव से मिलने के लिए तो उनके मन में आया, जब प्रणाम करने के लिए गए तो 8-9 साल के थे, उनको लगा कि इतने सारे जो गुरुदेव के पास जब माँ ने पैसे दिए कि चढ़ा देना, तो उनको लगा कि नहीं चढ़ाऊँगा तो क्या है, एक्टिंग कर लेता हूँ। तो उनने जो है इस हाथ में ऐसे एक्टिंग करी कि डाल रहे हैं और इस पैसा जेब में डाल दिया अपनी जेब में। तो उनने ऐसे एक्टिंग करी, गुरुदेव हंसे, हाथ रोका, जेब की ओर इशारा किया, उनको लगा कि इनको कैसे पता चल गया। गुरुदेव ने समझा करके भेजा बेटा माँ ने जो किया है वो करना चाहिए। अब आप कल्पना करके देखो, एक बच्चे के साथ तो ये किया, एक दूसरे बच्चे की घटना सुनाता हूँ कि क्या किया। दूसरा बच्चा था, माँ के पैसे लेकर के आ गया, यहाँ पर अभी बैठे नहीं है, अपने पुराने कार्यकर्ता हैं शांति कुंज के, माँ के पैसे लेकर के आ गए और वो जेब में 100 रुपये उस जमाने के लेकर के आ गए कि मैं गुरुदेव को चढ़ाऊंगा, पहली बार आए थे और चढ़ाऊंगा। तपोभूमि में गुरुदेव लेक्चर दे रहे थे और लेते देने के बाद ऊपर से उठ करके आए, लेक्चर देते देते सबसे पीछे गए, बच्चा बैठा हुआ था, सिर पर हाथ रखा, बोले 1 रुपया जेब से निकाला, बोले बेटा तेरी जेब में 100 रुपये है, 1 रुपया और ले जा, माँ को दे करके आना। वो गुरुदेव ने उनको दिया। जिस बच्चे के मन में चोरी का भाव आया उसको ये सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जिस बच्चे के मन में चोरी इसलिए आई कि गुरुदेव को देना है उसको 1 रुपया और दे करके भेजा कि बेटा माँ को दे करके आना। ये क्या है दोस्तों, ये प्रेम है, ये प्रेम गायत्री परिवार की पूंजी है और ये प्रेम गायत्री मंत्र हम लोगों को सिखाता है। और कुछ दे न दें पर लोगों को आत्मीयता तो दें, और कुछ दे न दें पर लोगों को प्यार तो दें। आदमी भूल जाता है दोस्तों, जो गायत्री परिवार है वो अभियान के रूप में है, हम लोगों को गुरुदेव ने सैनिकों के रूप में भर्ती किया है। तो क्या है, हम में से हर एक के हाथ में गुरुदेव ने तलवार पकड़ा दी है, तलवार पकड़ाई है कि युद्ध लड़ना है। आदमी युद्ध लड़ने के लिए जाता है, कार्यक्रम करना है, जब कार्यक्रम नहीं होता, युद्ध नहीं होता तो तलवार चलाना नहीं भूलता है, तब आदमी एक दूसरे पर चलाने लग जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तलवार चलाना भी जरूरी है पर म्यान में रखना भी जरूरी है,
जिस समय में आदमी और कुछ न कर रहा हो उसमें एक दूसरे के लिए परेशानी बने जरूरी नहीं है। ये याद रखें कि हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है। उस समय में ये याद रखें कि हम लोग संगठित हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं, तो मिशन को किन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और कौन सा संगठन है जिसके पास ये सौभाग्य है कि करोड़ों के करीब लोग हैं और सारे के सारे एक ही पिता की संतान है, एक ही माता की संतान है, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित है। यदि सबकी भावनाएं, सबके उद्देश्य, सबका चिंतन, सबका एक भाव एक जगह पर केंद्रित हो जाए दोस्तों, तो गायत्री परिवार शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आदमी के अंदर ये भाव आ जाए। दूसरी जो चीज गायत्री मंत्र देता है वो देता है एक दूसरे के प्रति प्रेम, अपनापन, आत्मीयता, एक ये भाव कि दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और देता है द्रविड़। द्रविड़ का मतलब पैसा नहीं होता दोस्तों, धर्म के अनुसार पैसा होता है। पैसा तो मिल जाता है, आदमी भाग रहा है, इधर से उधर परेशान है, पैसे के लिए निरंतर लगा हुआ है, पर पैसे के आ जाने से आदमी के मन में शांति आ जाती हो ऐसा नहीं। आदमी भटक रहा है, पैसा मिल गया, पैसा मिल जाने से आदमी के मन में शांति नहीं आती। गायत्री मंत्र कहता है कि आदमी पैसा तो कमाए पर पैसा कमाने के साथ साथ धर्म के अनुसार कमाए, भटक भटक करके ना कमाए। और इसके बाद गायत्री मंत्र दो आध्यात्मिक लाभ देता है दोस्तों। पहला जो है वो इस उद्देश्य के साथ देता है। और देने का उद्देश्य क्या है? देने का उद्देश्य है कर्मों की सफाई करना, कर्मों की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि, चित्तों की शुद्धि। ये शुद्धि करने का काम जो है वो गायत्री मंत्र का है। ये आज हम लोग जिस जगह पर है, जो भी हम लोगों को भूमिका मिली हुई है, जो भी जीवन है, जो भी योनि मिली हुई है, जो भी शरीर मिला हुआ है, जो भी आसपास की संभावनाएं मिली हुई हैं, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी परिस्थितियां हैं, ये सारे के सारे मेरे पहले के द्वारा किए गए कर्मों के कारण मुझको मिला है। मैं जो आज हूँ ये पहले के कर्मों के कारण हूँ, और मैं जो कल होऊंगा वो आज के कर्मों के कारण होऊंगा। कर्म का सीधा सरल सा सिद्धांत है, इसमें न कोई कन्फ्यूज़न है और न कोई कंसेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को कंसेशन मिल जाता हो, किसी दूसरे को न मिलता हो, हर एक को समान रूप से कर्म भुगतना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कह के गए कि कर्म के अनुसार ये पूरा का पूरा संसार है और बचने की संभावना नहीं है। कृतुमय पुरुष, आदमी यहाँ पर आया है तो कर्म करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा, कौन सा करें कौन सा न करें ये गायत्री मंत्र सिखाता है। आदमी के अंदर ये समझ, ये बोध, ये विवेक आ जाए कि कौन से कर्म को करने की आवश्यकता है, कौन से को नहीं है, वो बोध गायत्री मंत्र देता है। क्योंकि कर्म में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, भगवान के सॉफ्टवेयर में गलती नहीं होती। हर व्यक्ति का कर्म जो है वो उसके पास आज नहीं तो कल लौट करके आ जाता है। जब स्वयं भगवानों को चुकाना पड़ता है तो इंसान को तो आप भूल ही जाओ। एक घटना मैंने सुनाई थी पहले कि जो जलंधर दैत्य था, तो जलंधर दैत्य था, भगवान शिव के साथ युद्ध हो रहा था, तो भगवान शिव हरा नहीं पा रहे थे। इसलिए नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि जलंधर दैत्य की जो पत्नी थी वृंदा, उसका पुण्य बड़ा भारी था। तो भारी पुण्य होने के कारण जलंधर दैत्य को इतना सहारा और संबल था कि हरा नहीं पा रहे थे। मंदोदरी के पुण्य के कारण रावण भारी हो गया था, तो इसीलिए जो है वृंदा के पुण्य के कारण जलंधर भारी हो गया था। तो जब भगवान ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, भगवान विष्णु ने वृंदा का जो है सतीत्व हरण किया, हरण किया, तो उसके कारण क्या हुआ, पुण्य कमजोर हुआ, जलंधर हारा गया, जलंधर मारा गया। पर उसके कारण जो कर्म लगा वो हरेक को भुगतना पड़ा। उसके कारण जो कर्म लगा, तो भगवान विष्णु जब भगवान राम के रूप में धरती पर आए तो उनको अपनों का विछोह सहना पड़ा। कर्म लग गया, वो अपने अपनों के साथ कभी नहीं रह पाए। 6 साल के थे तो वशिष्ठ विश्वामित्र ले गए, जिस दिन लौट करके आए सीता के साथ विवाह था, वनवास मिल गया, वनवास से लौट करके आए तो सीता चली गई। पहली बार लव और कुश को देखा तो अगले दिन शरीर त्यागना पड़ा। आदमी जो है वो अपनों का विछोह सहना पड़ा। माता सीता को निर्दोष होते हुए भी एक कलंक और एक अपमान सहना पड़ा। और जब माता सीता को सरयूवासी कह रहे थे, अयोध्यावासी कह रहे थे कि साहब उनको निकाला जाए, तो वहाँ पर सबसे पहले तो वाल्मीकि आ गए। वाल्मीकि ने कहा कि साहब आप बाकियों को छोड़ दो, इस युग की छोड़ दो, मेरी 4 युगों की तपस्याएं ले लो, मैं कहता हूँ कि माता सीता निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं सुना। विभीषण आ गए, विभीषण ने कहा कि साहब मैं वहाँ रहता था और मैं कहता हूँ कि माता सीता निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं सुना। जमीन फटी, माता सीता को प्राण देने पड़े और वो कर्म अयोध्यावासियों पर लगा। सारे के सारे अयोध्यावासियों को सरयू में जाकर के प्राण त्यागने पड़े। कर्म लगा,
भगवान शिव को, क्योंकि उनके सहयोग के लिए भगवान विष्णु ने इस काम को किया, तो भगवान शिव को भगवान राम का दासत्व स्वीकारना पड़ा, हनुमान के रूप में जीवन लेना पड़ा। और वो वृंदा जिसका सतीत्व उसके निर्दोष होने के बावजूद लिया गया था, उनके साथ भगवान को शादी करनी पड़ी, वो तुलसी के रूप में आई और वृंदावन कहलाई। आप कल्पना करके देखो, जब भगवानों को कर्म लेना पड़ता है तो इंसान को कौन छोड़ने वाला है, हर एक को लेना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास ना भुक्तम छीते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, शास्त्र कहते हैं कि हजारों साल निकल जाएं और न जाने कितने जन्म निकल जाएं पर कर्म आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बात सरल है, स्पष्ट है, आदमी भूल क्यों जाता है? ये सब कुछ हर एक को पता है, फिर आदमी भूल क्यों जाता है? भूल इसलिए जाता है दोस्तों, हम लोग एक दिन ठहर करके देखें, इसलिए भूल जाता है क्योंकि कुछ कर्मों के परिणाम तो तुरंत मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आदमी को लगता है भगवान जाने बात सही भी है कि नहीं। आदमी अच्छे कर्म करता है और कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो उसको लगता है भगवान जाने हमारे अच्छे कर्मों का कोई परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आदमी बुरे कर्म करता है और मौज की ज़िंदगी जीता है तो कहता है अरे साहब दुनिया में ऐसे ही चलता है, मौज से जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए है क्योंकि कर्मों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आदमी छत से कूद पड़े तो हड्डी टूट जाएगी, अभी मिल गया परिणाम। पर यदि आदमी को जो है कुछ कर्म है जिनको करने में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और अच्छे कर्मों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना बुरे कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए भी थ्योरी उतनी ही सटीक है जितने बुरे कर्मों के लिए। बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजो तो पहले ही दिन में प्रोफेसर बन के थोड़ी लौटता है। आदमी को भेजा है तो 30 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहले दिन कोई एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाए तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर होकर के थोड़ी हो जाता है। आदमी को 10-20 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और बुरे में भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। एक सिगरेट पीने से आदमी को फेफड़े का कैंसर नहीं हो जाता, शराब का एक घूंट पीने से आदमी को लिवर की सिरोसिस नहीं हो जाती, 10 साल पियो आपको पता चल जाएगा। आदमी को जो है अच्छे और बुरे कर्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आदमी इस बात को भूल जाता है। और भगवान ने व्यवस्था जानबूझ करके बनाई। बच्चा है, बच्चा चलना सीखता है तो 10 बार गिरता है, और 10 बार गिरता है तो समझ पाता है कि मैं उठ करके चल सकता हूँ, उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है। एक बार गिरे और हड्डी टूट जाए और ज़िंदगी में कभी ना उठ पाए तो आदमी दोबारा चलना ही नहीं सीखेगा। वैसे ही यदि दुनिया में लोग कहते हैं कि साहब कर्म का तुरंत फल मिले, तुरंत फल मिलने लगे तो दुनिया अगले दिन नष्ट हो जाएगी। आदमी ने किसी को गलत दृष्टि से देखा और आँखें फूट गईं, आदमी ने चोरी करी और हाथ कट गए, आदमी ने व्यभिचार किया और नपुंसक हो गया, अगले दिन दुनिया नहीं चलेगी दोस्तों। आदमी को दूरदर्शिता और विवेक विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आदमी को ये संभावना ही नहीं आएगी कि मुझे अपनी गलतियों से समझ कैसे लेने की आवश्यकता है। वो काम हमारे को 2 चीज़ें सिखाते हैं, अंतरात्मा सिखाती है और विवेक सिखाता है। हमारे अंदर जो भगवान ने अंतरात्मा बैठाई है वो हमें याद दिलाती है, रुक रुक कर बेटा इस पथ पर मत चल, यहाँ चलेगा तो गलती है। हम उसकी आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, हर एक को पता है। दुर्योधन की कहानी आती है कि दुर्योधन से विदुर ने पूछा, उनने पूछा कि एक बात बताओ साहब, आप जो है ये एक ही स्कूल में गए हो युधिष्ठिर के साथ, युधिष्ठिर आपका भाई है और दोनों एक ही स्कूल में गए, दोनों को पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य, आप लोग रहते भी एक ही गुरुकुल में थे, शिक्षाएं भी एक जैसी मिली हैं और अच्छी बातें आपको पढ़ाई गई हैं, खराब तो किसी ने नहीं पढ़ाई। फिर दुर्योधन से विदुर ने पूछा कि आप सारे काम अधर्म के करते हो और युधिष्ठिर सारे काम धर्म के करता है, ऐसा क्यों है? तो दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानता हूँ कि धर्म क्या है, करूँगा नहीं। जानापि अधर्मम नच मे निवृत्ति, जानता हूँ कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया और जहाँ नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। अंतरात्मा की आवाज़ सुननी बंद कर दी, सुननी बंद कर देता है इंसान तो अधर्म के पथ पर चला जाता है। हमारे पास अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए कान हो और विवेक को फॉलो करने के लिए बुद्धि हो, ये 2 चीज़ गायत्री देती है। विवेक का मतलब सही क्या है गलत क्या है, आदमी को ये समझ रहे कि आगे जीवन को किस तरह जीने की आवश्यकता है, ये चिंतन गायत्री का मंत्र देता है। पूज्य गुरुदेव कहानी सुनाते थे कि एक जगह पर एक राज्य था और उस राज्य में नियम क्या था कि उस राज्य में यदि व्यक्ति जाए तो राजा बनाते थे आदमी को, और राजा बनाने के साथ साथ एक अजीब सा नियम था। नियम ये था कि जैसे ही आपके राजा बनने के 5 साल पूरे होंगे
वैसे ही आपको उठा करके एक निर्जन से द्वीप में डाल दिया जाएगा। तो राजा 5 साल तो खूब आराम करता था, खूब अच्छे से सुख लिए, भोग लिए, 5 साल के बाद उठा के निर्जन द्वीप में डाल दिया। आदमी वहाँ तबाह तबाह होकर के मरता था, कष्ट सह सह करके, कुछ था नहीं वहाँ, रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, परेशान होकर मर जाता था। जैसे ही एक दिन एक राजा बना तो उसने कहा कि वो सब तो ठीक है, पहले ये सोचूं कि 5 साल के बाद जाना कहाँ है। तो उसने सबसे पहला ये काम किया कि जिस द्वीप में गया देखने के लिए यहाँ क्या है, बस उसने जैसे ही गया कि 5 साल के बाद इस द्वीप में आना है, उसने वहाँ खेती शुरू करा दी, बिल्डिंगें बनानी शुरू करा दी। 5 साल में वो द्वीप मूल राज्य से ज़्यादा बढ़िया हो गया। बस 5 साल के बाद जब उसको वहाँ भेजा गया तो और भी ज़्यादा अच्छी दुनिया थी, यहाँ की तो छोड़े, वहाँ और भी ज़्यादा अच्छा था। आदमी भूल जाता है दोस्तों कि यहाँ तो हम 5 साल के ही राजा हैं, जिधर जाना है उधर की तैयारी करी है कि नहीं करी है, जहाँ पर जाकर के रहना है वहाँ की तैयारी अभी से शुरू कर दें, आज से शुभ कर्म शुरू कर दें, आज से शुभ चिंतन शुरू कर दें, आज से शुभ भावनाएं शुरू कर दें। आज यहाँ का राज्य मिला है, कल आदमी क्या बनेगा कौन जानता है, कल आदमी को कौन सा जीवन मिलने वाला है, कौन सी योनि मिली हुई है, कौन सी जगह पर आदमी जा करके रहेगा और क्या करेगा, ये सोच यदि आदमी के पास शुरू से हो तो आदमी जीवन को उसी के अनुरूप जीता है। उस सोच का नाम है विवेक। गायत्री मंत्र दोस्तों ये चिंतन हमें देता है। गायत्री मंत्र जिस आधार पर लाभ देता है वो यही देता है कि यदि व्यक्ति संयम का जीवन अपनाए, इंद्रिय संयम हो, अर्थ संयम हो, समय संयम हो, विचार संयम हो, तो आदमी अपने जीवन में आयु को, निरोगी आयु को, स्वस्थ आयु को और श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करता है। आदमी के अंदर धर्म की भावना हो तो जो द्रविड़ मिलता है उसका उपयोग सही करता है। आदमी के अंदर यदि साहस हो तो जो प्राण मिलता है उसका उपयोग सही से करता है। आदमी के अंदर प्रेम हो तो प्रजा, पशु, कीर्ति सब मिलते हैं। आदमी के अंदर यदि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की भावना हो और विवेक जागृत हो, दूरदर्शिता हो, चिंतनशीलता हो, तो फिर आदमी अपने अंदर ब्रह्मवर्चस्व को प्राप्त करता है। आदमी अपने अंदर उस शिखर को प्राप्त करता है जिस शिखर को प्राप्त करने के लिए आया। हम लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों, और गुरुदेव इस स्थान पर लोगों को बुलाते तभी हैं जब वो उनके अंदर किसी तपस्या की संभावना को देखते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूले और भटके नहीं आता। आदमी सब्जी खरीदने के लिए तो जाता है, पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है, आदमी पढ़ने के लिए जाता है, आदमी जॉब करने के लिए जाता है, पर आदमी भगवान के यहाँ जाता नहीं है, बुलाया जाता है। आप लोग यहाँ पर बुलाए गए और बुलाए गए इस आशय के साथ हैं कि हर व्यक्ति के अंदर गुरुदेव ने कोई संभावना देखी। आप पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, आप अमेरिका में नौकरी करते हैं कि आप एक छोटे से स्थान से आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपके अंदर तप की अग्नि जलती हुई दिखाई पड़ती है उसको देखकर आपको यहाँ बुलाया गया है। अब बुलाया गया है तो आदमी को अपने अंदर अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि जब हम यहाँ पर हैं तो अपने जीवन के साथ कर क्या रहे हैं, इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में उतार रहे हैं और श्रेष्ठता की ओर अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं, तो गायत्री मंत्र और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाने का और उन लाभों को प्राप्त कर पाने का सौभाग्य हमको मिल सकेगा। अंत में बस एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं बात को समाप्त करता हूँ कि एक भगवान बुद्ध के समय की घटना है। एक व्यक्ति था मक्खली गोशाल। भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे जिनको निर्वाण, जिनको जो है समाधि की अवस्था प्राप्त हुई, उनमें से पहला व्यक्ति था। तो जिस दिन मक्खली गोशाल भगवान से मिलने के लिए आया तो अंदर कक्ष में प्रवेश किया, भगवान मुस्कुराए, वो मुस्कुराया और समाधि लग गई। तो आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद को लगा कि साहब मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ आपके पास और ये व्यक्ति आकर के मुस्कुराता है और समाधि मिल जाती है, ये क्या तरीका है। तो उन्होंने भगवान से कहा तो भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा है आनंद, 2 बातें याद रखो। बोले क्या? बोले ऐसा है, जो व्यक्ति जो मांगता है उसको मिलता वो है। बोले जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो क्या मांगा था? बोले जब पहली बार आए थे तो तुमने मांगा था कि मेरी 3 शर्तें पूरी हों, एक तो मैं आपके कक्ष में सोऊं, तो मैंने तुम्हें हमेशा मेरे कक्ष में सुलाया। एक आपने कहा कि हमेशा मैं जिससे मिला हूं उससे आप मिलो, मैंने किसी व्यक्ति को मना नहीं किया। तीसरा तुमने कहा कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दो, तो मैंने तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को पूरा किया। बोले इसमें समाधि कहाँ है? इन 3 प्रश्नों में तुमने निर्वाण कब मांगा था? बोले यदि मांगा नहीं तो मिलेगा कैसे? और बोले वो मक्खली गोशाल एक ही सोच लेकर के आया कि मुझे भगवान के पास समाधि चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो पूर्णता मिल गई। तो हम लोग
गुरुदेव के पास हैं तो पूछें कि हम लेकर के क्या आए, हमारे मन में कामना क्या है। हम भगवान के सामने खड़े हैं, हम उस व्यक्ति के सामने खड़े हैं जिनकी युगों युगों की तपस्या से सृष्टि चल रही है। हम उन गुरुदेव माता जी के शिष्य हैं जिनको आप अभी नहीं जानते, अरे महान है वो, उनका शिखर हम लोग नहीं जानते, उनका अंत हम लोग नहीं जानते, उनका विस्तार हम लोग नहीं जानते, उनके पास हम लोग खड़े हैं। तो अपने आप से पूछें कि यदि गुरुदेव से कुछ मांगना ही है तो कम से कम समाधि तो मांगे, यदि गुरुदेव से कुछ मांगना ही है तो साधना की पूर्णता तो मांगे। छोटी चीज़ें तो पूरी हो ही जाती हैं, शरीर के कष्ट चले ही जाते हैं, वो तो डॉक्टर भी दूर कर देगा। आदमी को जो काम 5 रुपए की पैरासीटामोल की गोली कर देगी, उसके लिए भगवान के आगे हाथ फैलाने का काम करने की क्या जरूरत है। जो चीज़ आपको एक छोटी सी आईबुप्रोफेन की गोली कर देगी, उसके लिए भगवान के आगे खड़े होने की आवश्यकता क्या है। भगवान से मांगे तो समाधि तो मांगे। दूसरा, भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा है आनंद, दुनिया में 4 तरह के घोड़े होते हैं। बोले पहले घोड़े वो होते हैं जिनको इशारा पर्याप्त होता है, आपने किया खड़े हो जाएंगे। बोले दूसरे घोड़े वो होते हैं जिनको प्यार से सहलाना पड़ता है। बोले तीसरे घोड़े वो होते हैं जिनको डंडा मारना पड़ता है। बोले चौथे घोड़े वो होते हैं जिनको डंडा भी मारो तो भी नहीं हिलते। बोले आप कल्पना करके देखो कि आप कौन से वाले घोड़े हो। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि हम कौन से वाले हैं, हमारे लिए पर्याप्त है या फिर भगवान को अपने हाथों को कष्ट देने की आवश्यकता है। यदि हमारे पास वो भाव आ जाए कि गुरुदेव ने इशारा किया है, फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो देख ही रहे हैं, वो जानते ही हैं कि सही पथ क्या है, माताजी को पता ही है। हम लोगों को अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता क्या है। हम यदि अपनी सारी ऊर्जा इस बुद्धि को लगाने में लगा देंगे कि ये पथ सही है कि वो पथ सही है, ये तरीका सही है वो तरीका सही है, तो वो क्यों बैठे हैं। वो बैठे हैं, उनको पता ही है पथ क्या है भाई, उनको सारा पता है, योजना कहाँ है, अभियान कहाँ है, जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है, कौन सी जगह पर जाकर के क्या करना है। हमें तो वो करने की आवश्यकता है जो करने के लिए वो हमें लेकर के आए हैं। बुद्धि का काम उन पर छोड़ दें और भावना को गुरुदेव के चरणों में लगाएं तो आदमी शिखर पर जाकर के पहुँचता है। ये सोच हम लोग यहाँ से इस गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर लेकर के जाएँ। हम सबके जीवन में उनकी अनुग्रह की, उनकी अनुकंपा की लहरें बार बार आएँ, सबका जीवन श्रेष्ठता तक, उत्कृष्टता तक पहुँचे, ऐसी शुभकामनाएँ, ऐसी मंगल कामनाएँ।